हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए आप। अगर आप 19 या 21 18 से भी हो तभी अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि 12th और 10th वाले भी एलिजिबल होने वाले हैं। सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे न्यू और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार की किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना के अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, चाहे किसी भी कंपनी से कोई छोटी छोटी अपडेट ही क्यों ना हो, चाहे इंफोसिस, विप्रो, कोग्निजेंट, किसी भी तरह की हो, और ऑफ कैंपस आ रही तो हम हमेशा कवर करते रहते हैं। लास्ट की अगर आप 10-12 वीडियो देखोगे तो मोस्टली जो होगी वो ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड ही होगी, क्योंकि अभी किसी कंपनी कोई अपडेट नहीं आ रही है। मोस्टली कंपनी है ना कि अभी कोई अपडेट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बोला कि चलो ऑफ कैंपस हायरिंग हो सके जितनी हो सके उतनी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हायरिंग जो आ रही है वो आ रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से, जो होने वो प्रोफाइल होने वाली कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट 1। ठीक है, और लोकेशन आपकी होने वाली मुंबई महाराष्ट्र की। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन है 30 नवंबर तक। ठीक है, और उसके अलावा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ना क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, तो हाई स्कूल और डिप्लोमा जीसीटी रिक्वायर्ड, तो हाई स्कूल वाले या डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने थंबनेल में भी मेंशन किया था। तो ज़्यादा कुछ इसमें मांगा नहीं गया, जस्ट कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ज़्यादा बात ध्यान दिया जाएगा, बाकी आप पढ़ लेना। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मैंशन कर रखी है, मैं लिंक हर एक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, दोनों का, ताकि आपके लिए ईजी हो अप्लाई करना। बाकी अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, सेकंड अपॉर्चुनिटी आपकी आ रही है आईजी ग्रुप की तरफ से, जो होने वाले ट्रेडिंग सर्विस एनालिस्ट की, मतलब एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटी है, तो एमएस ऑफिस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको आना क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो चाहे रिटर्न या वर्बल। ठीक है, और एमएस ऑफिस तो मैंने स्टार्ट में बात किया था, और रोटेशन शिफ्ट आपकी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल अच्छी होनी चाहिए, बस। ठीक है, तो दोनों में से किसी में भी आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।